हेलो मॉमीज, तो क्या आप परेशान हैं अभी कि आपके बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं एंड उसमें सबसे ज्यादा 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 जो टफ टफ जो सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, लाइक हिंदी का, हिंदी में क्या होता है उनको, मात्रा, ये वो, उकार, सब सारी चीजें हमें लर्न कराने में इतनी 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 मतलब मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को सिखाने में। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही आज अनोखे टिप्स लेके आई हूँ। एंड यस, आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको अपने बच्चों को अगर हिंदी से सिखाएंगे, आप इस टेक्निक से आप सिखाएंगे तो बहुत ही इजी जाएगा। एंड यस, मेरे भी बेटे का हिंदी में थोड़ा सा उसको टफ जाता था, तो मैंने उसको थोड़ी सी उसको प्रोनाउंस कराया कि वो किस तरह से कर सकता है, किस तरह से हिंदी उसको इजी जा सकता है, इजी पीजी वे से अच्छे से कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बुक लेके आई हूँ, एक बुक मुझे मिल गई एक्चुअली, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जरूरी नहीं है कि आपके पास भी ये बुक होनी चाहिए, बस आप इसकी टेक्निक्स अपना सकते हैं। आप अपने जो जो आपकी पेपर है, पेन है, उसके ऊपर आप उन चीजों को बना के, या फिर गूगल से प्रिंट आउट्स निकाल के, या फिर चित्रों के हिसाब से बच्चों को सिखा सकते हैं। सो ये कुछ बाल भाषा भारती करके एक बुक मुझे मिली है, ये कोई स्कूल की बुक वगैरह नहीं है। ये जस्ट मैं एक रैंडम ऐसे ही मैं एक बुक शॉप में थी और ये किसी स्कूल के लिए भी नहीं थी, बस ऐसे ही बच्चों को सिखाने के लिए, हिंदी सिखाने के लिए बुक थी। तो इसके ऊपर ना कोई नंबर दिया है, देख सकते हैं आप, ना कोई नंबर दिया, बिकॉज जनरली क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के जो नंबर होते हैं उसमें अकॉर्डिंगली यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ होता है। आप अंदर से भी देखेंगे किसी भी टाइप का कोई नंबर नहीं है। इसके बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको विषय सूची दिखा देती हूँ। विषय सूची मीन्स जो टाइटल है, इसमें जो सारी चीजें हैं वो क्या क्या होने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो पैटर्न लिखा हुआ है। तो आप हिंदी किस तरह से शुरू करें अपने बच्चों को सिखाने के लिए, तो इसमें बहुत ही सिंपल चीजें दी हैं। आप देख सकते हैं फल और सब्जियां, उसके बाद देखो पहचानो, नाम बताओ, उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे काम, व्यवसाय करने के काम, और उसके बाद हमारी सवारियां, मतलब वाहन कौन से हैं, इसके बाद हमारे रंग पहचानो, ये सारी चीजें हैं, उसके बाद देखो और बनाओ, देन वर्णमाला और उसके अभ्यास, वर्णमाला में किस तरह से हमें लिखना है, क्या करना है। तो ये सारी चीजें सूची में है। सूची मैं आपको दिखाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा मैं आपको इस पे दिखा देती हूँ किस तरह से आपको देखना है। इस टाइप के आप पिक्चर्स से आप बच्चों को रिकॉग्निशन करा सकते हो कि फ्रूट्स कौन से होते हैं, वेजिटेबल्स कौन से होते हैं। तो फ्रूट्स का बास्केट एंड वेजिटेबल्स के बास्केट के अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं। तो इसमें है देखो और बताओ, तो फ्रूट्स का बास्केट है तो फल, देखो पहचानो और नाम बताओ, तो आपको पूछना है ये सारे आपको क्या दिख रहे हैं, ये सारे फल है। फल में बच्चों को तो पता है कौन सा सेब है, कौन सा बनाना है, पपीता है, ये सारे पता रहते हैं, तो बच्चों को दिख रहा है यहाँ पे फल है, तो ये पूरा फलों का गुच्छा है। यहाँ पे सब्जियां दिख रही हैं, जैसे गाजर है, पालक है, भिंडी है, गोभी है, जो सारी है, प्याज है, सारा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे बच्चों को लग रहा है कि हाँ यहाँ पे सब्जियां हैं, तो पॉइंट आउट बराबर करेंगे फल और ये सब्जियां, तो अकॉर्डिंगली उनको पहचान, रिकॉग्निशन के लिए अकॉर्डिंगली क्या बोलते हैं फ्रूट्स को, फल, वेजिटेबल्स को सब्जियां, तो इस तरह से हम उनको बता सकते हैं। मैं इस वीडियो में इस ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, तो मैं आपको इसके दो पार्ट्स में बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को दो पार्ट में देख सकते हैं, बिकॉज एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा देर लग जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में बच्चों को आप एक जंगल टाइप, एक बाग बगीचा टाइप उन्होंने दिखाया है, और उसपे सारे के सारे जो आप देख सकते हैं पूरे एनिमल्स दिए हुए हैं। तो एनिमल्स के अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हैं कि इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हाँ ये हाथी है, इंग्लिश में एलिफेंट, हाथी है, ये हाथी है, हाथी के बाद ये घोड़ा है, ये जिराफ, ये शेर, इस काइंड ऑफ, ये कुत्ता, ये सांप, ऐसे आप बच्चों को सिखा सकते हैं, एक एक करके आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं सिर्फ जानो और पहचानो वाली ही चीजें करूंगी। आप देख सकते हैं हमारे काम, हमारे व्यवसाय, तो कौन क्या करता है, ये बेसिक चीजें जो होती हैं ये बच्चों को पहले पता होनी चाहिए। तो जैसे हमारे व्यवसाय, व्यवसाय में टीचर, डॉक्टर, खेती करने वाला, पॉट जो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कुम्हार, कुम्हार होता है, उसके बाद कारपेंटर, कारपेंटर को मीन्स क्या बोलते हैं, जो काम करता है
मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा ऐसे, मतलब बच्चों को आप अच्छे से याद दिला सकते हैं। तो जनरली हम लोग तो कारपेंटर ही बोलते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद पेंटर यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए पेंटर। इसके बाद ये सिलाई वाला, उसके बाद ये कपड़े बेचने वाला। और इसमें वाहन कौन से हैं? वाहन है साइकिल, ट्रेन, ये को बग्गी, इसको एक वो हवा में चलती है वो, उस टाइप की एयर ट्रेन बोल सकते हैं आप इसको। हिंदी में आप इसको हवाई कुछ बोला जाता है उस, वो बोल सकते हैं। ये गाड़ी, ये बस, ये कार, ये ट्रेन, ये हवाई जहाज, ये शिप, इसको नाव, ये छोटी में नाव बोलेंगे। तो अकॉर्डिंगली आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, छोटी छोटी चीजें जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोजमर्रा की चीजों में है वो आप बच्चों को बताइए। इस टाइप की छोटी छोटी पोएम्स आप बच्चों को सिखा सकते हैं। आओ रंग पहचाने, रंग बड़ा सिखाने के लिए आप बच्चों को एक इस टाइप की पोएम सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे रंग दिया हुआ है, गुब्बारे ही गुब्बारे जी मैंने लाए हैं गुब्बारे जी, हरे लाल पीले नीले सब रंगों के गुब्बारे जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, हर तरह के। तो आप बोल सकते हैं ये कौन सा कलर है, ये है ब्लू, ये है, ये है ऑरेंज, ये पिंक, ग्रीन, रेड, येलो, इस टाइप आप बोल सकते हैं कि ये गुब्बारे लेके आया है, तो ये कौन से रंग के गुब्बारे लेके आया है। तो अकॉर्डिंग आप गुब्बारों के हिसाब से बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके बाद आता है पार्ट दो, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें बच्चों की लिखाई का काम है। तो ये सारा रिकॉग्निशन का था, रिकॉग्निशन के पार्ट के लिए पार्ट वन वीडियो है। इसके बाद बच्चों को हिंदी लिखना कैसे सिखाएं वो मैं आपको सेकेंड वीडियो में पक्का बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के अपडेट्स आने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे ऑन कीजिए, एंड उसके ऊपर ऑल आएगा तो उसको ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे इसके बाद वाला जो लिखने वाला जो है वीडियो आप देख सकते हैं वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो यस, आपको अगर आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।